बिस्मिल्लाह, ये जो वीडियो लेक्चर है हमारा एंड पैरामीटर के बारे में है। प्रिंट फंक्शन के अंदर पाइथन में जो प्रिंट फंक्शन होता है इसके अंदर एक पैरामीटर होता है एंड। एंड क्या काम करता है? बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट फंक्शन होता है वो जैसे जी आप प्रिंट अर्थ जो नया प्रिंट होगा नए लाइन से स्टार्ट होगा अपना आउटपुट, लेकिन अगर उसके अंदर आप एंड का यूज़ करेंगे बाय डिफॉल्ट जो है बैक स्लैश एन होता है, लेकिन अगर आप किसी और नए कैरेक्टर से लाइन को एंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो प्रिंट हैं, एंड को हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है तो क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, फिर एंड लाइन जो है एंड नहीं होगा, अगला जो प्रिंट होगा उसके साथ ही प्रिंट होना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे पाइथन प्रिंट हो जाएगा, फिर अभी एंड जो है आपने एट द रेट किया है तो यहाँ पे एट द रेट प्रिंट हो जाएगा, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके बाद प्रिंट हो जाएगा। तो अभी एग्जांपल हम लोग पाईचार में रन करके चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट के अंदर एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, पाइथन एंड पैरामीटर कर दें या एंड कर दें, तो वैसे हम देखें प्रिंट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर इस कोड को मैं रन कर दूं तो रन एंड को रन कर दे तो ये अलग लाइन में प्रिंट हो जाएगा और ये जो है अगला प्रिंट जो है अगला लाइन, क्योंकि प्रिंट जब ये प्रिंट स्टार्ट करेगा यहाँ पाइथन लिखेगा जैसे यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट जो है लाइन चेंज हो जाएगा, तो अगला जो प्रिंट होगा वो नए लाइन से प्रिंट होना स्टार्ट कर देगा जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। जो इसको कॉपी कर देते हैं, जो बाय डिफॉल्ट अगर आप एंड पैरामीटर यहाँ पे यूज करें एंड इज इक्वल टू, अगर हम बैक स्लैश इन यूज करें तो इसका इफेक्ट आपको सेम नजर आएगा जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे कॉमा लगा, तो सेम इफेक्ट आएगा जो थोड़ी देर पहले हमें नजर आ रहा था, सेम इफेक्ट है जो ऊपर के लगा। लेकिन अगर इसको मैं खाली कुछ ना दूं तो अभी देखते हैं क्या होता है, तो ये अभी देखें क्या हो गया, इसका इफेक्ट देखें यहाँ पे, तो पाइथन प्रिंट हो गया, लाइन जो है एंड नहीं हुआ क्योंकि हमने लाइन एंड नहीं किया, हमने यहाँ पे एक स्पेस भी नहीं दिया है, बस इसे खाली एम्प्टी स्ट्रिंग भी इसको नहीं बोल सकते, स्ट्रिंग तो है लेकिन एक मतलब बस एम्प्टी स्ट्रिंग आप इसको फिलहाल कंसिडर करें, एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे देखें अगला जो भी प्रिंट होगा बिल्कुल इसके साथ ही प्रिंट होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दूँ अभी अभी इफेक्ट देखें, मैं इसको अगले उस पर कर देता हूँ, तो यहाँ पे अभी मैं एक स्पेस देता हूँ अभी देखें, तो अभी यहाँ पे देखें इसमें फर्क और इसमें फर्क देखें, इसके दरमियान क्या आ गया, स्पेस आ गया, पाइथन प्रिंट हुआ पर एंड नहीं हुआ बल्कि एंड की जगह क्या आ गया, एक स्पेस आ गया, फिर अगला लाइन इसके साथ ही प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। आप एंड को किसी भी और तरीके से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे बैक स्लैश एन डालते हैं तो ये आपके पास स्केप सिक्वेंस में आ जाता है, सही है ना, तो ये स्केप सिक्वेंस में यहाँ पे तो लाइन आपका पास चेंज हो जाएगा, ये जो लाइन आपके पास चेंज हो रहा है ये बैक स्लैश एन आपको मदद कर रहा है। इसके अलावा आप और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं एंड के लिए, एंड के लिए फॉर एग्जांपल आप एट दी रेट यूज करें तो क्या आ जाएगा, अभी क्या आ जाएगा, हर लाइन के दरमियान एट दी एंड आता जाएगा। तो ये हो गया आपके पास एंड, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग इसी तरह एक और वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह पाइथन के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे।